बिहार सरकार तो जातियों का गिनती करा रही है, बोल रही है कि जिसका जितना हिस्सा है, जितनी संख्या होगा उतना हिस्सा मिलेगा। पसंद देता है जो गिनती करा रहा है। बड़ा काम हो रहा है ना, जाति का गिनती हो रहा है। नहीं, गिनती तो हो रहा है, ये तो एक आश्वासन है ना। गिनती करके जो समाज को तवज्जा देना चाहिए, जिस पैरिटी में लेना चाहिए जिस समाज को, हमारी समाज को, उस हिसाब से तवज्जा नहीं दे रही है। बिहार सरकार ने अभी एक मंत्री बना रखा है आपके सरकार, कनिता जी बैठी हुई है जी, फागू चौहान राज्य मंत्री हैं, राज्यपाल हैं जी, अभी संत रेणु देवी थी बिहार सरकार में मंत्री थी जी, तो यहाँ तो मिल रहा हिस्सेदारी, केंद्र में क्या होगा आप लोग का, केंद्र में क्या स्टेटमेंट है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम यहाँ, जो बिहार सरकार हमारा नहीं सुनेगा समाज का, तो हम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी ये बात पहुँचाएंगे, पहले राज्य सरकार के पास। पटना के रविंद्र भवन में नोनिया बीन बेलदार समाज का आज महापंचायत हो रहा है और राजस्थान से पहुँचे हैं भंवरलाल जी। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान। मैं राजस्थान भीलवाड़ा जिले से आया हुआ हूँ और भंवरलाल खारोल, खारोल समाज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जवाबदारी है मेरे पास, और जो साल्ट मेकर फेडरेशन बना हुआ उसमें नोनिया बिन समाज भी है, उस फेडरेशन की भी महासचिव की जवाबदारी है मेरे पास। तो आज ये महापंचायत जो आप लोग बुलाए हैं जी, क्यों आवश्यकता पड़ा इसका? ये हमारे को जो आरक्षण नोनिया बिन समाज जो बिहार में जानी जाती है, अन्य राज्य में जैसे राजस्थान में खारोल खारवाल के नाम से जानी जाती है, यूपी में चौहान समाज से जानी जाती है, लबाना समाज से, पंजाब में कई, मतलब सारे राज्यों का नाम लूँगा उचित नहीं है, उस एक हमारा साल्ट मेकर फेडरेशन ट्रेडर, ये एक फेडरेशन बना हुआ है, तो हम उस फेडरेशन के नाते यहाँ पहुँचे हैं। तो नोनिया बिन समाज को जो आरक्षण मांग रही है, तो यहाँ की सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, उसको आरक्षण देने का निवेदन करता हूँ सरकार से। तो बिहार सरकार तो जातियों का गिनती करा रही है, बोल रही है कि जिसका जितना हिस्सा है, जितनी संख्या होगा उतना हिस्सा मिलेगा। नहीं, बिहार सरकार से मैं वापस निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारी समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जो तवज्जा नहीं दिया जा रहा है, उनको जो समाज के लोग जितना बिहार सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उनके सामने नीतीश जी की जो सरकार ने तो बोला है कि जाति की गिनती हो रही है, जाति जनगणना हो रहा है बिहार में, गणना जैसे रिजल्ट रिपोर्ट सामने आएगा, जिसका जितना हिस्सा है संख्या उतना हिस्सा मिलेगा। राजनीति, हर राजनीतिक दल यही बोलता है, जाति का गिनती कौन पसंद देता है, जो गिनती करा रहा है। बड़ा काम हो रहा है ना, जाति का गिनती हो रहा है। नहीं, गिनती तो हो रहा है, ये तो एक आश्वासन है ना, गिनती करके जो समाज को तवज्जा देना चाहिए, जिस पैरिटी में लेना चाहिए जिस समाज को, हमारी समाज को, उस हिसाब से तवज्जा नहीं दे रही है, इसलिए आरक्षण की जो मांग है हमारी पूरी नहीं की जाएगी, तो हम फिर आंदोलन धरना ये भी करेंगे। हमारा सारा प्रस्ताव ले रखा कमेटी ने कि बिहार सरकार ने अभी एक मंत्री बना रखा है आपके सरकार, कनिता जी बैठी हुई है जी, फागू चौहान राज्य मंत्री हैं, राज्यपाल हैं जी, अभी संत रेणु देवी थी बिहार सरकार में मंत्री थी जी, तो यहाँ तो मिल रहा हिस्सेदारी, केंद्र में क्या होगा आप लोग का, केंद्र में क्या स्टेटमेंट है? नहीं, केंद्र में, केंद्र की बात नहीं कर रहे, अभी जो अपन प्रदेश, तो बिहार में तो बराबर हिस्सेदारी मिल रही है, ये भी पता नहीं है कितनी संख्या है, फिर भी पर आज हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है, बहुत ज़्यादा संख्या में समाज है, उसके सामने जो समाज को जो मिलना चाहिए तवज्जा, वो नहीं मिल पा रहा, इसके लिए तो हम आंदोलन के, हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि सिर्फ बिहार में अगर नोनिया बिन बेलदार समाज आगे बढ़ जाए तो उतना से तो काम नहीं चलेगा, केंद्र भी एक बड़ा अपना भूमिका निभाती है किसी भी जाति समाज के विकास में, तो केंद्र सरकार की क्या स्थिति है इसमें? नहीं, केंद्र सरकार की तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम यहाँ, जो बिहार सरकार हमारा नहीं सुनेगा समाज का, तो हम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी ये बात पहुँचाएंगे, पहले राज्य सरकार के पास हम जो आरक्षण मांग रहे हैं वो यदि हमको कर पाती है आरक्षण तो ठीक है, नहीं तो बड़ा आंदोलन करके हम रामलीला मैदान दिल्ली में आंदोलन करेंगे आरक्षण के लिए। किन क्षेत्रों में आरक्षण चाहिए, कौन कौन सा क्षेत्र में आरक्षण चाहिए? ये जो बिहार क्षेत्र जो संख्या ज़्यादा है अपने, एजुकेशन में चाहिए, पॉलिटिक्स में चाहिए, न्यायपालिका में चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, कहाँ जो सुविधा आम जनता को जो चाहिए उसमें, हर एक सारे क्षेत्र में चाहिए हमको, तो हमारी डिमांड तो सारे क्षेत्र में रहेगी, शिक्षा में भी चाहिए, मतलब नौकरी में भी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देवे सरकार। तो आपको लग रहा है बिहार में जो नोनिया बिन बेलदार समाज है उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है? हिस्सेदारी जो मिल रहा है, पर जो समाज का जो बल्क है, संख्या है, उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आंदोलन के ऊपर उतरेंगे। तो इसके लिए चिंतित है सरकार, गिनती करा रही है कि पता चल जाए नोनिया कितना है, बिन कितना है, बिलदार कितना है, मल्लाह कितना है, दुसाद कितना है, पता चल जाएगा हिस्सेदारी। सरकार यदि चिंतित होती तो ये हमारे को कार्यक्रम करने का भी, 500 करोड़ लगा करके जाति की गिनती हो रही है, कौन सी जाति गिनती हो रही है, हुई तो नहीं है ना, हुई तो नहीं है ना,
हाँ हो रही है ना आरक्षण के लिए, मतलब जो हम मांग रख रहे हैं वो हमारा जो मुआवजा हमको आरक्षण दे देगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। के लिए तो पहले से है 27% आरक्षण का प्रावधान। हाँ वो 27% का है, पर एसटी का जो मांग है ना हमारा एसटी का, हाँ हाँ तो मेन मुद्दा में आप चाह रहे हैं कि नोनिया बिन बेलदार समाज को एसटी कैटेगरी में दाखिल किया जाए। मेन मुद्दा हमारा यही है, बस इसी पे आप बोल नहीं रहे। हाँ इसी पे तो बोला ना, आरक्षण का मतलब वही हो गया था एसटी। मैंने सोचा आप इस कार्यक्रम में 2 घंटे से आप इस कार्यक्रम में हो तो आपको ये पता ही होगा कि एसटी का अभी राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में कितना हिस्सेदारी, आप लोग कितने मिनिस्टर हैं? राजस्थान में हमारी समाज से संख्या वहाँ पर कम है, खारोल खारवाल समाज की, तो मतलब मैं संगठन में अच्छी जवाबदारी दे रखी है लोगों को। और राजस्थान में भी गहलोत सरकार, सरकार में क्या हिस्सेदारी आप लोगों को? सरकार वहाँ भी ये स्थिति है जो यहाँ पर, तो आपके मिनिस्टर है या राज्यपाल है बिहार में? जी हमारे राजस्थान में नहीं तो कोई एमएलए है नहीं कोई सांसद है, क्योंकि वहाँ पर भी गहलोत सरकार जो है ना हमारे को बराबर तवज्जो नहीं दे रही, तो उसके लिए ये बिहार राजस्थान में आप लोग कब कर रहे हैं महापंचायत, कब कर रहे हैं? बस ये बिहार का एक बार में हमारा पूरा जो मांग है पूरी कर देगी, उसके 6-12 महीने के बाद हमारा प्लानिंग है। बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मोदी जी ने एक मिनिस्टर नहीं बनाया नोनिया बिन बेलदार समाज से? नहीं तो कपिल पाटिल हमारा जो भिवंडी से जो सांसद है वो कैबिनेट मंत्री है ही है बनाया। हाँ हाँ कपिल पाटिल नाम बता रहा हूँ, भिवंडी पहले सांसद थे वो। जब पाटिल है तो समझ में टाइटल अलग है। नहीं पर हमारे फेडरेशन हमारी कम्युनिटी में आता है पार्टी। अच्छा, कम्युनिटी और रेणु देवी को भी केंद्र से ही तो ओबलाइज किया था उप मुख्यमंत्री बिहार से। मोदी जी तो पूरा ध्यान देते हैं, पूरे ध्यान नहीं दे रहे जी हुकुम। जो जाति गिनती करा नीतीश कुमार क्यों करा? अब अरे गिनती करवा रहे हैं आप देखिए, ये तो सब आश्वासन होता है राजनीति में। अच्छा। हाँ गिनती करवा रहे तब तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे जो बल्क में जो क्वांटिटी में हमारी समाज है उस हिसाब से हमारे को पेरिटी मिलनी चाहिए, जितनी संख्या उतनी से। हाँ और जितनी पिछड़ी हुई जाति हमारी है ना उसके बजाय में दूसरी जातियाँ इतनी पिछड़ी हुई नहीं है, तो हमारे को ज़्यादा एसटी की आरक्षण की जरूरत है। पूरा नाम क्या बताया? भंवरलाल खारोल, खारोल समाज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। 31 वर्षीय गो पर्यावरण पद चेतना यात्रा, उसकी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जवाबदारी है। तो ये भंवर जी हैं पहुँचे हैं राजस्थान से बिहार, और यहाँ पे नोनिया बिन बेलदार समाज का महापंचायत बुलाया गया है। कारण ये है कि 2-3 चीज़ों इन्होंने बताया। पहले बताया कि इनको हिस्सेदारी चाहिए राजनीतिक में, चाहिए एजुकेशन में, चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। इसके अलावे अति पिछड़ा वर्ग में ये लोग आते हैं, इनका वर्ग जो है चेंज किया जाए और इनको शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए, ये मुख्य मांग है। इसको लेकर के बिहार सरकार में मंत्री जो है मदन सहनी ये भी पद यात्रा किए थे, बावजूद इसके इन लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार जो गिनती करा रही है 500 करोड़ लगा करके, ये भी एक फर्जी जो योजना तहत करवाई जा रही है। इनका कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, जब तक इसका रिपोर्ट आएगा तब तक सरकार बदल चुकी होगी और कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है।